और फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सपा। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है, निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला होने वाला है। तो आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में एक बड़ा बयान दिया है, निकाय चुनाव को लेकर यह बयान सामने आया है। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सपा और निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला रहेगा, अखिलेश यादव ये बोलते हुए नजर आए। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी दल अपने कमर कसनी शुरू कर दी है और वहीं अखिलेश यादव बयानबाजी करते हुए नजर आए, निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला रहेगा। जो निकाय चुनाव है समाजवादी पार्टी के साथ, जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहाँ बीजेपी के चेयरमैन थे। और लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बैठक हुई, सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर यह बैठक हुई। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सैनी बैठक में शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने अभियान को लेकर वर्चुअली बैठक की और क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष इसमें शामिल हुए। तो बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश महामंत्री, पूरा संगठन धर्मपाल सिंह सैनी जी के साथ आगामी 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलने वाले सामाजिक न्याय सप्ताह अभियान पर वर्चुअल बैठक की है और बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। तो ये भूपेंद्र चौधरी जी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यहां पर जानकारी साझा करते हुए नजर आए। और अब बात बसपा की चक्रव्यूह भेदी बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर रविवार को मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें शहरी क्षेत्रों में हर एक स्तर पर मोर्चेबंदी की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि निकाय चुनाव होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी कार्यक्रम स्थगित किए जाएंगे, मतलब बसपा की योजना नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की है। बहुजन सेना का चक्रव्यूह भेदी मंथन। निकाय चुनाव की बाहुबली तैयारी। शहरी क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए बसपा की रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, इन तमाम सवालों के बीच मायावती की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद बसपा ने साफ कर दिया है कि इस बार बहुजन सेना की तैयारी निकाय चुनाव में विरोधियों को हर मोर्चे पर मात देने की है। निकाय चुनाव में पूरी तरह फोकस करने के लिए मंडल स्तर, जिला स्तर और बूथ स्तर पर चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला किया गया है। इनमें सदस्यता अभियान, ग्रामीण स्तर पर कैडर की मजबूती से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ये तय हुआ है कि इस बार के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी और इसके लिए ये माननीय बहन जी ने ये तय किया कि हमारे अन्य माने वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वर्करों को जो अन्य प्रोग्राम दिए गए थे बूथ स्तर पर काम करने के लिए, सेक्टर स्तर पर वो संगठन तैयार करने के लिए, तो इन सारे कामों को तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक नगर निकाय का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता। यानी हम सारा फोकस नगर निकाय के चुनाव पर करने जा रहे हैं। मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर मायावती ने साफ संदेश दिया है कि निकाय चुनाव में टिकट उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो क्षेत्र में रहते हैं, मतलब जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जनाधार है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति में बदलाव को देखते हुए बसपा कई सीटों पर पहले से तय माने जा रहे उम्मीदवारों की जगह पर किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगा सकती है। पिछले बार जब निकाय के चुनाव हुए तो 2 मेयर की सीटें बसपा ने जीती थी। इस बार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें
बीएसपी जीते, जिससे कि एक मैसेज जा सके जो यूपी की जनता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। बीएसपी ने अपनी चुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर दी दिसंबर में, जब अंतिम सूची आई थी, और उसके बाद बहुत जगह पर जो कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट कौन थे उनको भी पार्टी ने कह दिया था। पर अब जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद नए सिरे से आरक्षण हुआ है, बहुत सी सीटों पर रिजर्वेशन बदला है, तो ऐसे में जो कैंडिडेट पहले घोषित हुए थे उनमें भी ज़रूर कुछ बदलाव जो है वो किए जा सकते। 2017 में निकाय चुनाव में बसपा ने अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम की महापौर की सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि नगर पालिका परिषद की 29 और नगर पंचायत के 45 शीर्ष पदों पर बसपा को कामयाबी मिली थी। इस बार बसपा की कोशिश 2017 के नतीजों से आगे बढ़ने की है, जिसके लिए बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार और बेहतर करने जा रहे हैं, उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कहीं हो सत्ताधारी पीछे हो जाए और हम आगे आ जाएं। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे, ताकि हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन भी है और अन्य दलों के आइडियोलॉजी में और हमारे में बड़ा फर्क है, इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाते हैं। गठबंधन करने का नतीजा होगा कि फिर मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के जरिए बसपा की नज़र 2024 के लोकसभा चुनावों पर है और बसपा अध्यक्ष मायावती निकाय चुनावों को लिटमस टेस्ट की तरह देख रही हैं। ऐसे में बसपा निकाय चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि विरोधी दलों का तर्क है कि बसपा अपना जनाधार खो चुकी है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी जो रास्ता है, जो समाजवादी विचारधारा को जिस तरह से उन्होंने पुनर्जीवन उसके अंदर एक जो नए आइडिया से वो देखते हैं, उनका ये मानना है कि चाहे बाबा साहेब हो, वो कॉपीराइट नहीं है, वो भारत के नागरिकों के कॉपीराइट हैं। चाहे लोहिया जी हों, माननीय काशीराम जी हों, नेता जी हों, ये किसी एक पार्टी एक किसी का कॉपीराइट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, और एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई 5 साल तक, तो वो उन्हें अपनी बात जनता के बीच में रखकर अपने विचार के आधार पर अपनी पार्टी के लिए जनसमर्थन मांगना, लोगों से अपील करना उन्हें अधिकार है, बाकी जनता को निर्णय करना है। हमारी चुनौती ये है कि हम पिछली बार से बेहतर करने के संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। अब भाजपा और सपा का तर्क कुछ भी हो, निकाय चुनाव के लिए बसपा जिस स्तर पर तैयारी कर रही है उससे इतना तो साफ है कि किसी भी दल के लिए निकाय की राह आसान तो नहीं होने वाली। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।